नेक्स्ट श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर बोलने का अनुमति दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। संशोधन मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसकी स्थापना होने से प्रादेशिक आकांक्षाओं पूरी होगी। वहां जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं, जनजातीय शिक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रिसर्च सुविधा का साथ साथ उन्नत जानकारी का बढ़ावा देने का कार्य होगा। आशा है कि राज्य के साथ साथ पूरे देश के जनजातीय समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, इसके साथ मैं अपने बिहार राज्य में वर्तमान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने 2009 और 2016 में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, यह स्वागत योग्य हुआ, किंतु वहां राजनीतिक लोगों को कुलपति बनाकर विश्वविद्यालय को राजनीतिक मय करने का काम किया जा रहा है। यह सर्वथा उचित नहीं है। गया और मोतिहारी में स्थापित दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया है। वहां पर आध्यात्मिक अध्यापक और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अतः सरकार को ध्यान की आवश्यकता है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा ज्ञान की नगरी, जहां मेरा संसदीय क्षेत्र है, सभापति महोदय, 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से स्थापित हुआ। यह एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय है जहां बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन की खोज की पढ़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था है। सभापति महोदय, यहाँ का जो बिल्डिंग है काफी बड़ा है और मैं समझता हूँ कि जो पढ़ाई वहाँ हो रही है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी अभी उपराष्ट्रपति महोदय गए थे, हम भी गए थे वहाँ पर, स्थानीय लोग, वहाँ के जो लेक्चरर वगैरह, सब लोगों ने इस बात को रखा कि जितना हमारे पास संसाधन है हम उतनी चीज की पढ़ाई नहीं कर रहे, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आप जरूर नालंदा विश्वविद्यालय पर ध्यान दें। दूसरा मेरा एक डिमांड था सर, माननीय मुख्यमंत्री जी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जब गए थे पटना, उस समय भी मांग रखी थी और पूरे बिहार वासियों को वह डिमांड है। जब बिहार, उड़ीसा, झारखंड साथ में था उस समय भी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था और बहुत ही पुराना है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री अरविंद सावंत जी। Not speaking.